कोविड-19 के चलते विगत 3 माह से मेडिकल कॉलेज कोटा में देहदान नहीं हुआ। बुधवार को 81 वर्षीय वृद्ध पदम कुमार भंसाली की बीमारी के चलते MBS अस्पताल में उपचार के दौरान देवलोक गमन हो गया था। इसके बाद उनके परिजनों ने उनकी इच्छा अनुसार मेडिकल कॉलेज को उनका पार्थिव देहदान किया। अस्पताल में अस्वस्थ होने के कारण उन्हें भर्ती कराया गया था, जहां उनका कोरोना वायरस संक्रमण का टेस्ट किया गया था, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। मेडिकल कॉलेज मानव संरचना विभाग अध्यक्ष डॉक्टर प्रतिभा जायसवाल ने संपूर्ण सुरक्षा को अपनाते हुए पदम कुमार भंसाली की पार्थिव देह हैंडओवर किया और सभी स्टाफ को PPE किट उपलब्ध कराए गए। इसके बाद मृत देह को प्राप्त किया। डॉक्टर प्रतिभा जायसवाल ने बताया है कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में देहदान का संकल्प पत्र भर सकते हैं। अब तक 35 देहदान हो चुके हैं, इस साल ये चौथा देहदान है। यदि मृत व्यक्ति की कोरोना वायरस संक्रमण की रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उसकी बॉडी को मेडिकल कॉलेज अस्पताल को दान किया जा सकता है। उसमें भी सावधानियां व गवर्नमेंट की गाइडलाइंस की पालना की जानी अति आवश्यक है। और पहले भी एक दो बार बोल चुके थे कि मुझे कुछ हो जाए तो मेडिकल कॉलेज को बॉडी दे दूँगा। क्या करते थे, किस कितनी उम्र थी? हाँ जी, क्या नाम था, क्या करते थे? पदमचंद जी भंसाली जी। जी, अभी तो ये 81 साल हो चुके थे, तो ऑलमोस्ट रिटायर्ड लाइफ थी। किस डिपार्टमेंट से रिटायर्ड? नहीं नहीं, ये अपना बिजनेस है जी। जी, बिजनेस मेघालय में बिजनेस कर रहे हैं जी। तो काफ़ी सालों से कोटा ही थे। कहाँ रह रहे थे? बल्लेबाड़ी, F9 बल्लाबाड़ी में रहते थे। आज श्री पदमचंद जी भंसाली जो 81 ईयर्स के थे, जो MBS हॉस्पिटल में कल उनके परिजनों ने उनको भर्ती करवाया था, और उस वक्त उनको कुछ तकलीफें जो थी वो ओल्ड एज के हिसाब से और डायबिटीज़ और उन सब के हिसाब से थी। तो उन्होंने जैसे ही हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो उनका कोविड टेस्ट भी ले लिया गया था। और पदमचंद जी की बहुत इच्छा थी कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी देह दान कर दी जाए,